हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दी माय यूट्यूब चैनल बाय मेंट बाइट। आपने देखा कि पिछली वीडियो में जो हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक सोल्व कर लिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के, तो इसी फिजिक्स के एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, और याद रखना कि जितने भी क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे ये सारे नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि हम अब सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर देखिए किस प्रकार से दिया हुआ है। फोर इलेक्ट्रिक चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 2L। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए मिडवे बिटवीन दी टू चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है, हम उस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखना, एक स्क्वायर है इस प्रकार से, और इस स्क्वायर की जो हमारे पास लेंथ दी हुई है क्या है 2L, कितनी है 2L इस प्रकार से, इसकी लेंथ क्या दी है हमारे पास 2L। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर भी माइनस क्यू है, और यहाँ पर प्लस क्यू है। तो इस प्रकार से हमारे पास एक क्या है डायग्राम दिया हुआ है, और यहाँ पर क्या है एक ए पॉइंट है जहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को क्या है कैलकुलेट करना है। क्या है ये वाला जो पॉइंट है, ये इस वाली जो लेंथ है, इस ये वाली जो भुजा है स्क्वायर की, इसके क्या है मिड पॉइंट पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी L, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी L। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमारे पास गिविन है, डाटा जो दिया है क्वेश्चन में इस प्रकार से है, और इस ए पॉइंट पे हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहाँ पर ध्यान देना किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आप मुझे ये बताइए कोई यहाँ पर क्यों आवेश है, यानी क्यों कोई चार्ज है, यदि वो पी पॉइंट इस प्रकार से हो, यानी इस चार्ज क्यों के कारण पी पॉइंट पर, यानी कि पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला निकल आता है वो किस प्रकार से आता है। हम सभी को पता है बी बराबर क्या निकल आता है के क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला सभी को पता होगा के क्यू अपॉन आर इस प्रकार से निकल आता है। अब यहाँ पर भी आप देखिए इसी प्रकार से यहाँ पर क्यू एक क्या है एज ए पॉइंट चार्ज, इसी प्रकार से प्लस क्यू भी यहाँ पर एज ए पॉइंट चार्ज, इसी प्रकार से माइनस क्यू है, और इसी प्रकार से ये माइनस क्यू है। अब ये तो हमको पता है कि इस प्लस क्यू से यहाँ ए पॉइंट पर यदि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस एल पता है, यहाँ की डिस्टेंस हमको पता है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस भी हमको पता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है, जो माइनस क्यू से यदि हम इस वाले पॉइंट पर माइनस क्यू से ए वाले पॉइंट पर यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहें तो हमें ये वाले डिस्टेंस का पहले पता होना चाहिए, तभी हम ए पॉइंट में माइनस क्यू के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से इस माइनस क्यू के कारण यदि हम ए पॉइंट पर निकालना चाहें, इसी माइनस क्यू के कारण इस ए पॉइंट में निकालना चाहें तो हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी हम इस माइनस क्यू के कारण इस पर ए पॉइंट जो है यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम इसको किस प्रकार से निकाल सकते हैं, ये वाली डिस्टेंस हमें पता है एल, और ये पूरी डिस्टेंस हमारे पास क्या है 2L। यहाँ पर पॉइंट ए है, इसको मान लेते हैं हम बी, और इसको मान लेते हैं यहाँ पर सी। यदि इस ट्राइंगल को यदि हम देखें, इस ट्राइंगल को ध्यान देना, इस ट्राइंगल को यदि हम देखें तो हमारे पास ये वाली डिस्टेंस आसानी से निकल सकती है, क्योंकि इसमें यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर कर्ण कहलाता है जिसको बोलते हैं हम हाइपोटेनस, यानी यहाँ पर यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए इसमें तो ए बी का स्क्वायर इक्वल टू होगा हमारे पास ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी इस वाला ए बी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारे पास ए बी का स्क्वायर मान निकल के आएगा। तो ए सी यहाँ पर देखिए क्या दिया है एल, तो यहाँ पर एल का स्क्वायर प्लस बी सी देखिए यहाँ पर क्या है टू एल, तो यहाँ पर टू एल का क्या होगा स्क्वायर, और यहाँ पर देखिए एल स्क्वायर प्लस फोर एल स्क्वायर, तो यहाँ पर ए बी स्क्वायर जो निकल के आएगा वो क्या आएगा ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा फाइव एल स्क्वायर, और ये क्या आएगा रूट में, इस प्रकार से यहाँ पर रूट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा रूट फाइव एल, तो ये वाली डिस्टेंस जो हमारे पास निकल के आई वो क्या है रूट फाइव एल, रूट फाइव एल। अब यदि हमें ये वाले डिस्टेंस चाहिए, ये भी देखें यहाँ पर ये क्या है एल, और यहाँ से टू एल, यानी जो जिस प्रकार का ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा था इसी प्रकार से यहाँ पर भी ये वही टू एल है, और यहाँ पर क्या है एल, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी निकल के आएगी रूट फाइव इंटू एल। तो ये काम हमारा हो गया, ये काम हमारा हो गया, यानी कि हमारे पास माइनस क्यू से ए तक की जो डिस्टेंस है रूट फाइव एल, इसी प्रकार इस माइनस क्यू के कारण ए तक जो डिस्टेंस है रूट फाइव एल। तो हम आसानी से अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ए पे क्या है आसानी से निकाल सकते हैं। अब तो क्वेश्चन में
कुछ भी नहीं बचा है, अब तो हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए यदि हम इसको पॉइंट ए पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माने तो क्या है, बी ए मान लिया है हमने। अब देखिए इस प्लस क्यू के कारण यदि इस पर बात करें तो क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग चले के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ पर देखिए प्लस क्यू के कारण क्या आएगा, के क्यू, आर के स्थान पर क्या है यहाँ पर एल, क्या है एल, तो यहाँ पर एल आ गया प्लस, यानी इस प्लस इस, अब यहाँ देखिए इस प्लस क्यू के कारण इस पर क्या आएगा, इसी प्रकार से देखिए के क्यू अपॉन क्या आएगा एल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है एल। तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए फिर से यहाँ पर प्लस करेंगे, अब यहाँ देखिए माइनस क्यू के कारण, देखिए ध्यान से देखना माइनस क्यू के कारण ए पॉइंट पे हमें निकालना है, तो यहाँ पर आएगा के और माइनस क्यू, के माइनस क्यू और डिस्टेंस देखिए रूट फाइव एल कितनी है, रूट फाइव एल। अब यहाँ पर देखिए फिर से प्लस, अब इस माइनस क्यू के कारण देखिए यहाँ पर माइनस क्यू के कारण यहाँ पर क्या आएगा, के माइनस क्यू अपॉन डिस्टेंस देखिए फिर से रूट फाइव एल। तो यहाँ तक आई होप कि आपको यहाँ तक क्या है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि बी ए पर किस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूरा आने वाला है। अब देखिए यहाँ पर बी ए इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, के क्यू अपॉन एल चारों में है तो यहाँ पर हम के क्यू अपॉन एल क्या निकाल लेते हैं कॉमन, तो यहाँ पर बचेगा वन प्लस वन, यहाँ पर बचेगा हमारे पास माइनस वन अपॉन रूट फाइव, क्या बचेगा माइनस वन अपॉन रूट फाइव, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होंगे यहाँ पर माइनस हो जाएंगे, इसी प्रकार से यहाँ बचेगा हमारे पास वन अपॉन रूट फाइव। क्लियर यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, बी ए के क्यू अपॉन एल ये हो जाएगा यहाँ पर टू, इसका क्या होगा टू अपॉन रूट टू, क्या होगा टू अपॉन रूट टू, और यदि आगे और इसको हम सोल्व करें तो बी ए इक्वल टू आएगा के क्यू अपॉन एल, यहाँ से क्या है टू और हम कॉमन निकाल सकते हैं तो क्या आएगा वन माइनस वन अपॉन रूट फाइव। तो ये क्या होगा, इसका आंसर होगा, यानी कि इस पूरे जो आवेश जो सिस्टम हमारे पास है, एक स्क्वायर है उसके ऊपर क्या है चार आवेश हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, इन सबों के कारण जो ए पॉइंट पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आने वाला है वो कितना है के क्यू टू बटे एल वन माइनस वन अपॉन रूट फाइव, क्या आएगा के क्यू टू अपॉन एल वन माइनस वन अपॉन रूट फाइव, ये क्या होगा इसका आंसर होगा। और ये हमें किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में, किस में दिया है ऑप्शन नंबर सी में ये हमें दिया हुआ है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर नाइन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थ्री, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स हैव रेडी ए बी एंड सी, और यहाँ पर ए बी सी में हमें इस प्रकार संबंध दिया हुआ है, एंड हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा माइनस सिग्मा एंड सिग्मा रेस्पेक्टिवली, इफ बी ए बी बी एंड बी सी डिनोट द पोटेंशियल ऑफ द थ्री सेल देन फॉर सी बराबर क्या दिया है ए प्लस बी बी हैव, यानी कि यहाँ पर सीधा सा क्या क्वेश्चन पूछा है, हमारे पास क्या है तीन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, क्या है तीन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या है कि तीनों जो हमारे पास स्फेरिकल यानी गोलाकार जो सेल हैं उनके जो केंद्र हैं वो क्या है सेंटर पॉइंट है वो क्या है एक है, उनको बोलते हैं हम कॉन्सेंट्रिक। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट हमने मान लिया इस प्रकार से, सेकंड हमने मान लिया इस प्रकार से, और थर्ड जो है हमने मान लिया इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गए तीन कॉन्सेंट्रिक क्या हो गए स्फेरिकल। अब यहाँ से देखिए इसकी डिस्टेंस, इसकी जो रेडियस है वो दी है ए, इसकी दी है बी, और इसकी दी है क्या है सी, इस प्रकार से यहाँ पर दी हुई है, ध्यान देना इस प्रकार से यहाँ पर दी हुई है, और यहाँ पर इसकी दी है सिग्मा चार्ज डेंसिटीज, इसकी दी है माइनस सिग्मा, और इसकी दी है यहाँ पर प्लस सिग्मा, यानी कि दो की इसकी प्लस है इसकी प्लस है इसकी कितनी है माइनस है। अब यहाँ पर हमें क्या है इसके लिए जो पोटेंशियल दिया है उसके लिए दिया है बी ए, इसके लिए दिया है यहाँ पर बी बी, और यहाँ पर दिया है बी सी, और एक रिलेशन है सी बराबर ए प्लस बी, इस प्रकार से एक रिलेशन हमारे पास दिया हुआ है, यानी पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, निकालना क्या है ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो बी ए बी बी और बी सी में हमें संबंध निकालना है किस प्रकार से ये रिलेशन है, इनमें किस प्रकार से रिलेशन है। अब देखिए आप मुझे बताइए जब कोई भी स्फेरिकल इस प्रकार से हो, कोई भी स्फेरिकल इस प्रकार से हो और उसकी रेडियस यदि आर हो, उसकी रेडियस यदि हम आर माने और एक पॉइंट यहाँ से हम कंसीडर करें पी पर, इसके बाहर यानी कि ये वाली पूरी डिस्टेंस कितनी है यहाँ से आर है, यहाँ से ओ पॉइंट से यानी जो सेंटर से है पी पॉइंट पर डिस्टेंस कितनी आर, तो हम सभी को पता है यदि हम पी पॉइंट पर बी कैलकुलेट करना चाहें तो क्या आएगा, यदि इस पर चार्ज क्यू हो तो के क्यू अपॉन आर, ये सभी को पता है। यदि इस पी पॉइंट पे यानी आर डिस्टेंस सेंटर से आर डिस्टेंस पर यदि हम पोटेंशियल
कैलकुलेट करना चाहे तो कितना आएगा, के क्यू अपॉन आर, कितना आएगा के क्यू अपॉन आर। अब इसी प्रकार से यदि हम इस सरफेस पर, इस सरफेस पर कितना आएगा, बी बराबर के क्यू अपॉन कैपिटल आर, बिकॉज क्योंकि जो स्मॉल आर की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल आर के बराबर। यहाँ जो स्मॉल यहाँ पर आ गया ये पॉइंट जो पी है, तो ये क्या आएगा के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब यदि ये कंडक्टिंग है, अब यहाँ पर कंडक्टिंग है, यदि ये कंडक्टिंग है यानी चालक स्फीयर है, यदि ये चालक स्फीयर है तो यदि हम अंदर की तरफ और बात करें, यानी इस पॉइंट पर बात करें या हम इस पॉइंट पर बात करें या हम सेंटर पर ही बात करें, यानी इस पॉइंट पर बात करें या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर बात करें, तो हमारे पास जो बी इन आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर ही निकल के आता है, के क्यू अपॉन आर ही निकल के आता है। तो इस प्रकार से क्या है, बाहर क्या होगा यानी आउटसाइड में कितना आता है, के क्यू अपॉन आर, और सरफेस पर क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, और इनसाइड में क्या आएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इस वाले स्फीयर पर, यानी जिसकी रेडियस ए है, जिसकी रेडियस ए है, यहाँ पर दिया है ये सिग्मा। यदि हम सिग्मा के अकॉर्डिंग बात करें फर्स्ट वाले पे, उस पर चार्ज मान लेते हैं हम क्यू ए, जो फर्स्ट वाला है इस पर चार्ज हम मान लेते हैं क्या है, क्यू ए है, और यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, आवेश अपॉन क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से क्या हो गया, क्यू ए अपॉन एरिया। यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू किस प्रकार से निकलेगी, क्यू ए इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा इंटू फोर पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर जो क्यू ए की वैल्यू निकल के आएगी हमारे पास, वो कितनी आएगी, सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर क्यू की वैल्यू आ गई, यानी कि यह जो स्फीयर है इस पर आवेश का मान कितना है, क्यू ए इक्वल टू सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, इस प्रकार से यानी प्लस क्यू आवेश इस पर है। इसी प्रकार से यदि हम इस वाले की बात करें, इस वाले बी वाले की, तो इस पर मान लेते हैं हम क्यू बी, और यहाँ पर माइनस सिग्मा दिया हुआ है, और इसके लिए क्या होगा, क्यू बी अपॉन ए, और क्यू बी की वैल्यू यहाँ पर निकल के कितनी आएगी, माइनस सिग्मा ए और माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर यदि हम क्यू बी की बात करें, वो कितनी आएगी, माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने यहाँ पर आवेश कैलकुलेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए सी वाले पॉइंट पे, यदि हम वहाँ पर क्यू सी माने, यदि हम क्यू सी माने, तो यहाँ पर सिग्मा उसके लिए दिया हुआ है, तो क्या आएगा यहाँ पर, क्यू सी अपॉन ए, और क्यू सी की वैल्यू हमारे पास क्या निकल कर आएगी, सिग्मा इंटू ए, और क्यू सी इक्वल टू होगा सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर। क्या होगा, फोर पाई सी स्क्वायर, क्योंकि इस एक स्फेरिकल गोले का क्या है, एरिया जो क्या होता है, फोर पाई ए स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस जो होती है उसके क्या होता है, स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्यू सी निकल का है वो कितना है, सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है बी ए, देन उसके बाद करेंगे हम बी बी, देन बी सी। क्या करेंगे, सबसे पहले कैलकुलेट कर रहे हैं बी ए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बी ए, अब इस आवेश क्यू ए के कारण, यानी ये आवेश जो है, इस आवेश के कारण इस पर, इसकी सतह पर, यहाँ पर बात करें, इस पूरे आवेश के कारण यहाँ पर बात करें, इसके पूरे इस पर बात करें, तो कितना यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल आएगा, के क्यू अपॉन आर। क्या आएगा, के क्यू अपॉन आर, यानी कि हमारे पास के क्यू अपॉन आर आएगा। यानी जब कोई आवेश किसी स्फीयर को दिया गया है और उसकी सतह पर यदि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें, तो हमारे पास क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। क्या आता है, के क्यू अपॉन आर। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, के क्यू, अब यहाँ पर आवेश कितना है ए, और क्या है आर, के आर के स्थान पर यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ पर क्या आ गया ए। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए के क्यू ए अपॉन ए, के क्यू ए अपॉन ए, तो यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो है, ये वाला जो स्फीयर है, इस वाले स्फीयर के अंदर है और इस वाले स्फीयर के भी अंदर है कि नहीं है। यानी यदि हम इस प्रकार से बात करें, ये वाला पॉइंट इस प्रकार से हो और इस प्रकार से हो, तो इस वाले पॉइंट पे भी जो आवेश आ रहा था, के क्यू अपॉन आर आ रहा था, यानी ये पूरी डिस्टेंस आ रही थी आर वाली। और यदि इस पॉइंट पे बात करें, तब भी के क्यू अपॉन आर आ रहा था, यानी कि इस वाले के कारण, इस पूरे के कारण, इस पूरे के कारण यदि हम इस पर बात करें, इस पर बात करें, यानी कि कितना पोटेंशियल आएगा, तो कितना आएगा, प्लस के क्यू बी अपॉन बी। क्या आएगा, के क्यू बी बटे बी, इस प्रकार से आएगा, के क्यू बी बटे बी। यानी कि इस वाले के, यानी ये वाले डिस्टेंस जो है इस बी के कारण, यानी कि ये वाला पूरा है, इस पर आवेश कितना है, क्यू बी। अब ये क्यू बी पॉइंट कहा गया इसके अंदर, तो इसी प्रकार से स्थिति बन रही है, तो के क्यू बी बटे क्या आएगा, बी। यहाँ से लेकर पूरी डिस्टेंस कितनी है, बी। इसी प्रकार से सी के कारण क्या आएगा, के
क्यू सी बटे क्या आएगा सी, इस प्रकार से यहाँ पर आएगा। अब इसको क्या है बी ए, यहाँ पर के क्या है कॉमन आ सकता है, यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू देखिए, क्यू ए की वैल्यू देखिए, यहाँ पर सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, क्या है सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, और अपॉन में है क्या बचेगा यहाँ पर ए, यहाँ पर देखिए प्लस, अब यहाँ पर क्या है एक के, और क्यू बी की वैल्यू देखिए, यहाँ पर क्यू बी की वैल्यू क्या है माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर, क्या है माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर बटे यहाँ पर क्या आएगा बी, प्लस यहाँ पर अब क्यू सी, क्यू सी बचेगा, क्यू सी की वैल्यू देखिए सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर, सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर बटे सी, तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए ए से ए यहाँ पर कैंसिल, बी से बी यहाँ कैंसिल, एक सी से एक सी यहाँ पर कैंसिल, तो बी ए की जो टोटल वैल्यू निकल के आएगी क्या आएगी के सिग्मा फोर पाई ए प्लस, यहाँ पर प्लस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा फोर पाई बी और प्लस सिग्मा फोर पाई सी, इस प्रकार से तो बी ए की यदि वैल्यू निकालें तो के सिग्मा फोर पाई फिर से कॉमन ए माइनस बी प्लस सी, इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए सी इक्वल टू क्या दिया है ए प्लस बी, यानी ये वाला क्या है सी इक्वल टू क्या दिया यहाँ पर ए प्लस बी, इस सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं ए प्लस बी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए तो बी ए की वैल्यू जो हमारे पास निकल के आएगी क्या आएगी के सिग्मा फोर पाई, यहाँ पर लग रखते हैं a माइनस बी प्लस, क्योंकि c हमारे पास ये दिया है क्वेश्चन में a प्लस बी, यहाँ से b कैंसिल, तो बी ए की वैल्यू जो टोटल निकल के आएगी k सिग्मा फोर पाई a और a कितने हो गए 2a, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास b a की निकल के आई, कितनी निकल गई ये वाली वैल्यू हमारे पास b a की निकल गई, यानी इसको हम लिख सकते हैं आप यहाँ लिख लेते हैं बी ए इक्वल टू जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा k सिग्मा फोर पाई इंटू टू ए, ये वाला निकल के यहाँ पर आ गया 2a। अब हमें चाहिए यहाँ पर b और b की वैल्यू भी चाहिए, सबसे पहले निकालते हैं b और b b की वैल्यू। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले बात करते हैं इसी इस पर जो आवेश है उसके कारण इस पर पोटेंशियल कितना आएगा, ये जो b जो है b जो स्फीयर है इस पर जो इस आवेश के कारण इस पर पोटेंशियल कितना आएगा, तो इसकी सतह पर यदि बात करें तो क्या आएगा के क्यू बी बटे बी प्लस, अब इस सी के कारण यदि इस पॉइंट पे बात करें तो क्या आएगा इस सी के कारण, जिस प्रकार से हमें इसमें क्या था इस सी के कारण इस पॉइंट पे बात करें यानी कि ये वाला क्या होगा सतह इसके ये अंदर है, तो क्या आएगा जो इसकी सतह पर आने वाला है वही इसकी सतह पर आएगा, जो इसकी सतह पर आने वाला है वही कहाँ पर आएगा इसकी सतह पर आएगा, क्योंकि ये वाले इस वाले स्फीयर के अंदर ये है जिस प्रकार से कंडीशन यहाँ पर बन रही थी। अब यहाँ पर देखिए तो के यहाँ पर आएगा क्यू सी बटे सी, क्या आएगा के क्यू सी बटे सी। अब यहाँ पर देखिए फिर से अब इस वाले आवेश के कारण जो ये वाला जो आवेश है इस वाले आवेश के कारण यहाँ पर हमें चाहिए इस वाले आवेश के कारण यानी यहाँ से लेके यहाँ तक चाहिए, तो वो जो हमारे पास आएगा वो आएगा के क्यू ए बटे बी, क्या आएगा के क्यू ए बटे बी, यानी आवेश तो यह है इस आवेश के कारण इस पर जो हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा, ध्यान देना इस आवेश के कारण हमारे पास जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा के क्यू ए, तो इसका आवेश होगा लेकिन डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक आएगी ये वाली बी वाली, क्योंकि इस वाले यहाँ तक हमें चाहिए यहाँ तक हमें चाहिए, यानी इस वाले ये कंडीशन किस प्रकार से बन गई ये बाहर वाली कंडीशन बन गई, यानी इस पर आवेश क्यू है और ये डिस्टेंस आर है, यानी इसके कारण क्या आता है के क्यू अपॉन आर, यानी इस पर आवेश है, और यदि इस पॉइंट पर हम इस आवेश के कारण बात करें यानी बी यहाँ पर क्या इस प्रकार से आर वाली डिस्टेंस बन रही है, ध्यान देना बी वाली जो है आर डिस्टेंस बन रही है, तो के क्यू अपॉन आर के अकॉर्डिंग बात करें क्यू कौन सा था ये वाला आवेश, तो इसी प्रकार से क्यू कौन सा आएगा इस पर जो आवेश है, तो के क्यू ए बटे बी, क्लियर यहाँ तक। अब आगे यदि हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर निकालते हैं के यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं और क्यू बी के स्थान पर फिर हम मान रखते हैं क्यू बी, देखें यहाँ पर क्या दे रखा है क्यू बी ये रहा माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर, माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर, तो यहाँ पर रखिए माइनस सिग्मा फोर पाई बी स्क्वायर अपॉन में बी है प्लस। अब यहाँ देखिए के तो कॉमन क्यू सी की वैल्यू देखिए क्यू सी है सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर, क्यू सी क्या है सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर, तो सिग्मा फोर पाई सी स्क्वायर अपॉन सी में आएगा प्लस। अब यहाँ देखिए क्यू ए की वैल्यू देखिए क्यू ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर, क्या है सिग्मा फोर पाई ए स्क्वायर बटे बी, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये निकल के आएगा। अब यहाँ पर देखिए एक सी से एक सी कैंसिल, एक बी से एक बी यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर जो कॉमन चीज़ है उसको हम निकाल लेते हैं बी बी इक्वल टू के सिग्मा फोर पाई फिर से कॉमन सिग्मा फोर पाई, यहाँ पर बचेगा माइनस बी,
यहाँ पर क्या बचेगा माइनस बी, क्योंकि बीस एक बीस एक भी कैंसिल, यहाँ पर बचेगा माइनस बी, यहाँ पर बचेगा प्लस सी, और यहाँ पर बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर बटे बी। क्या बचेगा ए स्क्वायर बटे बी, क्या बचेगा ए स्क्वायर बटे बी, यहाँ पर हमारे पास बचने वाला है। अब यदि हम बात करें यहाँ पर c इक्वल टू क्या है a प्लस बी, c इक्वल टू क्या है हमारे पास a प्लस बी, तो c के स्थान पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी। तो यहाँ पर जो bb की वैल्यू निकल के आएगी k सिग्मा 4 पाई माइनस बी, c के स्थान पर लिख सकते हैं a प्लस बी, a प्लस बी, और यहाँ पर क्या आएगा a स्क्वायर बटे बी, क्या आएगा a स्क्वायर बटे बी। अब यहाँ से एक बी यहाँ से कैंसिल हो गए, एक बी इस माइनस बी से प्लस बी कैंसिल, तो बी और बी की वैल्यू जो निकल के आएगी के सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर आएगा a, ए बी प्लस ए स्क्वायर बटे बी। यहाँ से b क्या है, हम यदि एलसीएम एलसीएम ले यहाँ पर b, क्योंकि ये तो ख़त्म, यहाँ पर आएगा ए बी प्लस ए स्क्वायर, तो ए बी प्लस ए स्क्वायर बटे बी, यहाँ पर क्या है बी बी की वैल्यू यहाँ पर आ गई, क्या आ गई बी बी की वैल्यू क्या आई यहाँ पर k सिग्मा 4 पाई ए बी प्लस ए स्क्वायर बटे बी, इस प्रकार से इसकी वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हम निकालते हैं यहाँ पर बी सी की वैल्यू, क्या निकालते हैं बी सी की वैल्यू, तो बी बी की हम पहले लिख सकते हैं इसको, क्या मान आएगा k सिग्मा 4 पाई ए बी प्लस ए स्क्वायर बटे क्या आएगा बी, यहाँ पर इसका मान आ गया। अब निकालते हैं हम बी सी का मान, बी सी का मान किस प्रकार से निकलेगा उसको निकालते हैं, हमने ये मान निकाल लिया है, यहाँ पर क्या है क्यू सी का मान दिया हुआ है, अब निकालते हैं हम बी सी। अब बी सी क्या है, अब इसके कारण पहले तो इस क्यू सी के कारण, यानी जो ये आवेश इसके ऊपर है, जो सी वाला जो सी जिसकी रेडियस है उस स्पेयर पे हम निकाले, यानी बी सी हम बात करें तो उस पर क्या आएगा पहले के क्यू अपॉन आर, क्या आएगा के क्यू अपॉन आर, तो यहाँ पर क्या आएगा के, इस पर आवेश क्या है सी अपॉन आर, आर यानी सी, सी आएगा यहाँ पर क्योंकि इसकी डिस्टेंस रेडियस कितनी है आर प्लस। फिर से बात करें, अब हम फिर से बात कर रहे हैं इस वाले आवेश के कारण, यानी जो ये आवेश है इस स्पेयर के कारण, अब ये वाला पॉइंट क्या हो गया बाहर, यानी ये वाला आवेश था, यानी ये वाला पॉइंट बाहर हो गया, यानी ये इस पी पॉइंट के अकॉर्डिंग बात करें तो ये पी पॉइंट यदि इसको माने तो यहाँ पर ये बाहर हो गया, तो यहाँ पर इस आवेश के कारण, इस वाले के कारण जो बी वाला है इस पर उसका कारण क्या आएगा के क्यू बी बटे सी, क्या आएगा के क्यू बी बटे सी प्लस। अब इसके कारण भी क्या आएगा, इस वाले के कारण ये वाला केस के लिए क्या हो गया बाहर, जो कि सी है, क्या आएगा के क्यू ए अपॉन सी, तो इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। अब बी सी देखिए यहाँ पर के यहाँ से कॉमन, अब क्यू सी की वैल्यू देखिए सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई सी स्क्वायर बटे सी प्लस। अब क्यू बी की वैल्यू देखिए, क्यू बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर, माइनस सिग्मा 4 पाई बी स्क्वायर बटे सी प्लस। अब यहाँ पर क्यू ए की वैल्यू देखिए सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, सिग्मा 4 पाई ए स्क्वायर, इस प्रकार से आ गया। अब यहाँ पर देखिए एक सी से एक सी यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, तो बी सी बराबर यहाँ पर सिग्मा 4 पाई क्या आ जाएगा कॉमन, तो के सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर बचेगा अपने पास सी, यहाँ पर बचेगा माइनस बी स्क्वायर बटे सी, यहाँ पर बचेगा प्लस सी ए स्क्वायर, क्या बचेगा ए स्क्वायर, क्या बचेगा ए स्क्वायर, यहाँ पर अपॉन में सी और क्या बचेगा ए स्क्वायर बटे सी, इस प्रकार से यहाँ पर बचने वाला है। आगे देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सी ले लेते हैं हम, क्या है एलसीएम, सी ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, तो सी से इसको मल्टीप्लाई किया सी स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस प्रकार से आएगा। तो यहाँ पर जो बी सी की वैल्यू निकल के आ रही है हमारे पास वो क्या आएगी के सिग्मा 4 पाई, इस प्रकार से यहाँ पर ये आएगी, तो बी सी इक्वल टू के सिग्मा 4 पाई। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देना एक मिनट, तो सी स्क्वायर तो एज इट इज़, यदि मैं इसको इस प्रकार से लिख दूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कोई गलत थोड़ी ना है, यदि सी स्क्वायर एज इट इज़ ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर को मैंने यहाँ पर इस प्रकार से लिख दिया, और अपॉन में है इनके क्या है सी, अपॉन में क्या है यहाँ पर सी है, इस प्रकार से अपॉन में क्या है यहाँ पर सी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देख लीजिए बी सी बराबर के सिग्मा 4 पाई, बी सी बराबर क्या है के सिग्मा 4 पाई, यहाँ पर देखिए सी स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस प्रकार से लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते अपॉन में सी है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी, इस प्रकार से होता है। अब बी सी इक्वल टू क्या होगा के सिग्मा 4 पाई, इसको लिख सकते हैं सी स्क्वायर अपॉन सी प्लस, इसको लिख सकते हैं ना सी स्क्वायर अपॉन सी, और यहाँ पर आएगा ए माइनस बी, यहाँ देखिए ए प्लस बी, यहाँ पर देखिए a प्लस बी जो क्वेश्चन में गिवन हो क्या है c के इक्वल, तो यहाँ पर हम c कर सकते हैं अपॉन में c, तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। अब देखिए bc सी इक्वल टू क्या आएगा अपने पास k सिग्मा 4 पाई, यहाँ से एक c कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा c प्लस a माइनस बी, इस प्रकार से। अब देखिए c के स्थान पर यदि हम a प्लस बी रख दें फिर से, तो bc सी इक्वल टू क्या आएगा
के सिग्मा 4 पाई ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए यहाँ से देखिए बी से बी कैंसिल हो रहा है और यहाँ पे आ गया 2a। तो बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, के सिग्मा 4 पाई इंटू 2a। इस प्रकार से हमारे पास बी सी की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ पर देखिए बी ए की वैल्यू देखिए, बी बी की वैल्यू देखिए और बी सी की वैल्यू देखिए। बी ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, के सिग्मा 4 पाई 2a। यहाँ पर देखिए बी सी की वैल्यू के सिग्मा 4 पाई 2a, यानी कि हम कह सकते हैं बी ए जो इक्वल है वह क्या है बी सी के। ये तो पता है, ये तो ठीक है, बी ए इक्वल टू हो गया बी सी के, बी ए इक्वल टू हो गया बी सी के। और आगे देखिए बी बी ये क्या है, इसका मान अलग है इन दोनों से, तो हम लिख सकते हैं ये इनके इक्वल नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर डी देखिए, ध्यान से देखना ऑप्शन डी, वहाँ पर दिया है बी ए इक्वल टू बी सी के और ये इक्वल नहीं है बी बी के। तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा डी, क्या होगा इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 है यहाँ पर, ए होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ ए रेडियस 10 सेंटीमीटर, आगे क्या बोला इसमें, इस चार्ज सच ए डेट पोटेंशियल इट सरफेस इज 80 वोल्ट। क्या बोला है कि कोई मेटेलिक स्फीयर है और उसकी रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर है और उसके सरफेस पर जो क्या है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, यानी इस प्रकार से कोई क्या है मेटेलिक स्फीयर है और ये क्या है इसकी 10 सेंटीमीटर क्या है दे रेडियस और इसके सरफेस पर यानी बी एस का जो मान दिया है वो 80 वोल्ट दिया है। क्या दिया है 80 वोल्ट। हमें सेंटर पे मान बताना है, कहाँ पर मान बताना है सेंटर पे। अब यहाँ पर देखिए अभी अभी थोड़ी देर पहले किया था, यानी कि इस प्रकार से कोई स्फीयर है, यदि हम आर डिस्टेंस पर बात करें तो पी पॉइंट को, तो यहाँ पर जो बी की वैल्यू निकल के आती है वो क्या आती है के क्यू अपॉन आर। इस प्रकार से यदि हम सरफेस की बात करें तो क्या निकल के आती है बी इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर, यदि इसको हम कैपिटल आर माने। यदि हम इसके अंदर की बात करें इस पॉइंट पे, तब भी यदि ये मेटेलिक यानी कंडक्टिंग है, मेटेलिक है तो कंडक्टिंग होगा, तो कंडक्टिंग है तो वहाँ पर क्या मान निकल के आएगा के क्यू अपॉन आर ही निकल के आएगा, यानी जो सरफेस पर जो मान है वही कहाँ पर होगा अंदर, या तो इस पॉइंट पे बात करें या हम सेंटर पे बात करें, तो मान कौन सा निकल के आएगा के क्यू अपॉन आर ही निकल के आएगा। तो इसका आंसर जो होगा यदि सेंटर की बात कर रहा है तो कितना होगा बी एस के समान ही, यानी बी सी इक्वल टू बी एस जो कि होगा 80 वोल्ट। क्या होगा 80 वोल्ट, इसका क्या होगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखिए, 80 वोल्ट उसमें दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। क्या होगा राइट आंसर होगा इसका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया हुआ है नीट 2017 का क्वेश्चन है ये, और दिया क्या हुआ है कि दी डायग्राम बिलो शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल। हमारे पास क्या है डायग्राम दिए हुए हैं चार, इस प्रकार से डायग्राम है, एक डायग्राम तो इस प्रकार से दिया हुआ है, सेकंड डायग्राम क्या दिया हुआ है इस प्रकार से, यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ है सेकंड डायग्राम, इस प्रकार से यहाँ पर एक और यहाँ पर है इस प्रकार से, थर्ड जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है यहाँ पर और इस प्रकार से, फोर्थ डायग्राम देखिए फोर्थ है इस प्रकार से, इस प्रकार से फोर्थ डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर पूछा क्या है हमारे पास कि ए पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए टू बी, यहाँ पर क्या है दो दो पॉइंट हमारे पास दे रखे हैं इस प्रकार से ए और बी, ए और बी, ए और बी, ए और बी, यानी कि यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों है इसको हम ऐसे बी तक ले जाते हैं, इसी प्रकार यहाँ से, इसी प्रकार यहाँ से और इसी प्रकार से यहाँ से हम ले जाते हैं। तो हमें क्या पूछा है यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी है यहाँ पर, यानी वर्क डन हमें यहाँ पर निकालना है, और क्या निकालना है वर्क डन। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 20 वोल्ट और 40 वोल्ट इस प्रकार से, और इसी प्रकार से यहाँ दिया है 10 वोल्ट और 30 वोल्ट, यहाँ पर भी 20 है यहाँ पर 40, 10, 30 और यहाँ पर फिर से 20, 40 और 10 और 30, यहाँ पर फिर से 20 और यहाँ पर 20 और 40 और 10 और 30, तो इस प्रकार से यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर देखिए वर्क डन यदि हम W1 के लिए बात करें, यहाँ पर W2 के लिए बात करें, यहाँ पर W3 के लिए बात करें और यहाँ पर W4 के लिए बात करें, यानी कोई प्लस क्यू आवेश है इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, इसी प्रकार से प्लस क्यू यहाँ पर है, इसी प्रकार से यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज है। अब इसको हम यहाँ A से B ले गए, इसी प्रकार से यहाँ ले गए, तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है डेल्टा B इंटू क्यू
क्या होगा, डेल्टा बी इंटू क्यू, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू क्या होगा, चार्ज। तो डेल्टा बी इंटू क्यू और इसी प्रकार से डेल्टा बी इंटू क्यू, इस प्रकार से यहाँ पर ही होने वाला है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा बी हम निकालें तो 40 में से यदि हम डेल्टा बी इसके लिए कैलकुलेट करें तो कितना आएगा 20, क्योंकि 40 में से 20 जाएगा तो 20, और यहाँ पर निकाला तो डेल्टा बी इक्वल टू कितना आएगा 20। यदि हम इसके संदर्भ इसके अकॉर्डिंग बात करें फिर भी 20, और इसके अकॉर्डिंग बात करें फिर भी क्या आ रहा है 20 आ रहा है। इसके इसलिए इसके कारण यहाँ भी क्या आएगा डेल्टा बी इक्वल टू 20, और यहाँ भी क्या आएगा डेल्टा बी इक्वल टू 20, क्योंकि 30 में से 10 जाएगा 20 बचेगा। यहाँ पर भी क्या आएगा डेल्टा बी 20, और यहाँ पर भी डेल्टा बी क्या आएगा 20। इसी प्रकार से यहाँ पर डेल्टा बी क्या आएगा 20, और यहाँ पर भी क्या आएगा डेल्टा बी। अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं, अब तो आसानी से हो जाएगा हमारे पास डेल्टा बी की भी नहीं, और क्यों हमारे पास क्या है कोई पॉजिटिव चार्ज बोला है। अब यहाँ पर देखिए डेल्टा बी, डेल्टा बी यहाँ पर 20 है दोनों संदर्भ में, तो क्यों, तो यहाँ पर आएगा 20 क्यू। इसी प्रकार से डब्ल्यू टू कितना आएगा, ये भी 20 है तो क्या आएगा 20 क्यू। इसी प्रकार से डब्ल्यू थ्री जो है इसमें भी क्या आएगा 20 क्यू, और इसी प्रकार से डब्ल्यू फोर जो आएगा वो भी क्या आएगा 20 क्यू। तो हम बोल सकते हैं डब्ल्यू वन इक्वल टू डब्ल्यू टू इक्वल टू डब्ल्यू थ्री और डब्ल्यू फोर, यानी कि चारों केस में, चारों जो केस हैं उनमें क्या हमें सेम वर्क डन करना पड़ेगा। तो चारों जो केस दिया है ऐसे बी तक की प्लस क्यू आवेश को बी तक ले जाने पर, इसी प्रकार से ऐसे बी यहाँ पर ले जाने पर जो हमें कार्य करना पड़ेगा वो कितना है 20 क्यू, यानी कि इसमें भी 20 क्यू, इसमें भी 20 क्यू, इसमें भी चारों में 20 क्यू है, यानी कि चारों में हमें समान कार्य करना पड़ेगा। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर किस प्रकार से दिया है कि इन ऑल दी फोर केसेस दी वर्क डन इज दी सेम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है। इफ़ पोटेंशियल इन वोल्ट्स इन ए रीजन इज एक्सप्रेस्ड एज ए बी एक्स वाई जेड बराबर यानी इक्वल टू दिया है 6xy-y+2yz, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन न्यूटन प्रति कूलम में निकालना है 8.110। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास एक इक्वेशन इस प्रकार से दी हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बी एक्स वाई जेड, और आगे क्या है 6xy-y+2yz इस प्रकार से दिए, और हमें क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और इसके लिए जो हमारे पास x, y और z के जो कोऑर्डिनेट दिए हैं इस प्रकार से 1,10 इस प्रकार से दिए हुए। अब इसमें क्या है हमें e का मान निकालना है, और b हमारे पास गिवन है, और कोऑर्डिनेट किस प्रकार से 1,10 इस प्रकार से दिए हुए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है सीधे सा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है हमारे पास इस प्रकार से -dB/dr, ये रिलेशन सबको याद होगा -dB/dr, इस प्रकार से रिलेशन क्या होता है संबंध होता है ई और बी में क्या होता है संबंध होता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें, यदि हम इसको एक्स और वाई और जेड के अकॉर्डिंग लिखें, इन अक्षों के अकॉर्डिंग लिखें, तो हमारे पास क्या आएगा इक्वल टू -dB/dx इंटू आई कैप प्लस dB/dy इंटू जे कैप प्लस dB/dz इंटू के कैप, इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें b का मान पुट करना है और इस डिफ्रेंसिएशन को क्या है सोल्व करना है, तो इक्वल टू आएगा हमारे पास -dB का मान देखें यहाँ पर 6xy-y+2yz, और यहाँ पर क्या है dx है ना, और यहाँ पर क्या आएगा पूरा आई कैप, क्या आएगा आई कैप। यहाँ पर इसी प्रकार से हम लिखेंगे d, यह क्या है 6xy-y+2yz अपॉन में क्या है dy, और यह के इसे क्या है j कैप प्लस आगे क्या दिया है यहाँ पर इसी प्रकार से इसको लिखेंगे d 6xy-y और आगे क्या है प्लस 2yz अपॉन क्या है जेड में, और यहाँ पर आएगा जे कैप, तो इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए e इक्वल टू क्या आएगा माइनस तो है, यहाँ पर देखिए d/dx, यानी यदि हम सबसे पहले इसका क्या करेंगे डिफ्रेंसिएस, फिर y का, फिर इसके इसका क्या करेंगे yz का, तो x के सापेक्ष इसका करने पर क्या निकल के आएगा 6y, क्या निकल के आएगा 6y, और यदि इसके यानी हम करें dy/dx करेंगे तो क्या आएगा जीरो, क्या निकल के आएगा जीरो। इसी प्रकार से यहाँ पर x नहीं है तो इसका पूरे का निकल के आएगा जीरो, तो इस प्रकार से आ गया आई के प्लस
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर निकल के आएगा 6x, क्या आएगा 6x निकल के आएगा, यहाँ पर आएगा -1 क्योंकि dy अपॉन करेंगे हम, dy क्या आएगा 1, तो यहाँ 1, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर निकल के आएगा अपने पास 2z, क्या निकल के आएगा 2z इंटू के कैप, इस प्रकार से आ गया। आगे देखिए प्लस, यहाँ पर xy, यहाँ पर z नहीं है तो इसका शून्य, यहाँ पर z नहीं है तो इसका भी क्या हो गया शून्य, यहाँ पर क्या आएगा प्लस 2y, क्या निकल के आएगा 2y, और क्या आएगा ही, क्या आएगा यहाँ पर, यहाँ सॉरी यहाँ पर आएगा जे कैप और यहाँ पर आएगा के कैप, इस प्रकार से, ठीक है। आ तक आगे देखिए ई इक्वल टू हमारे पास निकल के आएगा के माइनस 6y इंटू आई कैप प्लस 6x, तो यहाँ पर मान रख देते हैं हम, यहाँ पर सीधा ही मान रख देते हैं, y के स्थान पर क्या है, यहाँ पर ये x का मान है, ये y का मान है, ये z का मान, y के स्थान पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 6i कैप, यहाँ पर 1 रखेंगे 6 माइनस 1, यहाँ पर z का मान क्या है 0, तो ये क्या हो गया 0, 6 में से 1 गया तो 5, तो यहाँ पर आएगा प्लस 5j कैप, तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 है, y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस 2k कैप, क्या आएगा 2k कैप, न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम, इस प्रकार से, यदि आई जे और के कैप में दिया हुआ है तो इस प्रकार से आएगा। यदि हम इसका क्या है मैग्नीट्यूड निकालना चाहे तो पूरा रूट लेके इसका क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, देन इसको आगे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी देखिए, यहाँ पर देखा है माइनस कोष्टक में 6i के प्लस 5j के प्लस 2k के, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा डी, क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी टाइप का है जो हमने पहले किया था, कि इन ए रीजन द पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाई बी एक्स वाई और जेड, इसी प्रकार से दिया हुआ है, और इसके लिए इक्वेशन है 6x-8xy-8y+6yz, इस प्रकार से है, और इसके लिए हमारे पास कोऑर्डिनेट दिया हुए हैं इस प्रकार से, एक्स वाई और जेड के कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास 1, 1, 1, यानी कि 1, 1 इस प्रकार से दिए हुए हैं। आगे क्या बोला इसमें हमारे पास, कि यहाँ पर जो q बराबर 2 कूलम दिया हुआ है इस पर कितना फोर्स लग रहा है, यानी f निकालना है, और f इक्वल टू क्या होता है q इंटू ई, f इक्वल टू क्या होता है q इंटू ई, हमारे पास q तो दिया है लेकिन ई हमारे पास पता नहीं है, हमारे पास क्यू तो है 2 कूलम और ई क्या है ये हमें हमारे पास क्या है पता नहीं है, तो हमें यह मान निकालना है कि ई कैसे निकलेगा, ई वो जो मान है ये किस प्रकार से यहाँ पर निकलेगा, तो यहाँ पर ई का जो मान है वो इस प्रकार से निकलेगा माइनस डी बी अपॉन डी आर, फिर से वही फॉर्मूला हम लगाएंगे, ई इक्वल टू माइनस इसको लिखेंगे डी बी अपॉन डी एक्स इंटू आई कैप प्लस डी बी अपॉन डी वाई इंटू जे कैप प्लस डी बी अपॉन डी जेड इंटू के कैप, इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। तो ई इक्वल टू जो हमारे पास आएगा निकल के माइनस बी के स्थान पर रखिए ये वाली इक्वेशन पूरी, तो डी 6x-8xy-8y+6yz और अपॉन में क्या आएगा यहाँ पर डी एक्स, क्या आएगा डी एक्स, तो यह आएगा यहाँ पर आई कैप प्लस फिर से डी 6x-8xy-8y+6yz और अपॉन में है अपने पास क्या है डी वाई, ये क्या है यहाँ पर जे कैप प्लस, तो यहाँ पर आएगा फिर से डी 6xy-8xy-8y+6yz, तो इस प्रकार से हमने ये पूरा लिख लिया, और यहाँ पर है डी वाई, और यहाँ पर क्या आएगा के कैप पूरा। अभी इसको सोल्व करना है बस, ई इक्वल टू माइनस, अब इस 6x को जैसे ही हम सोल्व करेंगे डी अपॉन डी एक्स इंटू 6x को सोल्व करेंगे तो यहाँ 6 निकल के आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारे पास 8y, और इसको सोल्व करेंगे तो ये शून्य ये वाला शून्य, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 6-8y इंटू आई कैप, इस प्रकार से प्लस देखिए यहाँ पर 6x यहाँ पर ये शून्य यहाँ पर निकल के आएगा अपने पास प्लस -8x यहाँ पर निकल के आएगा -8 यहाँ पर निकल के आएगा प्लस 6z और क्या आएगा जे कैप प्लस यहाँ पर देखिए यहाँ पर निकल के आएगा शून्य यहाँ पर भी 0 हो जाएगा यहाँ पर क्या है जेड यहाँ पर भी 0 यहाँ पर भी 0 तो यहाँ पर लास्ट में निकल के आएगा 6y इंटू के कैप।
अब यहाँ पर देखिए हमारे पास x का मान है, x का मान है, y का मान है और z का मान भी है। कितना दे रहा है ये, कितना है x का मान, y का मान और z का मान। तो यहाँ पर देखिए a इक्वल टू माइनस सिक्स माइनस एट इंटू वन इंटू आई कैप प्लस माइनस एट इंटू वन माइनस एट प्लस सिक्स इंटू वन इंटू जे कैप प्लस यहाँ पर सिक्स इंटू वन आएगा इंटू के कैप। तो यहाँ पर जो मान निकल का आएगा ई का हमारे पास वो पूरा निकल का आएगा माइनस, यहाँ से क्या है एट, एट में सिक्स आएगा तो माइनस टू आई कैप और माइनस एट, और माइनस एट कितने हो माइनस सिक्सटीन, और सिक्स जाएगा तो क्या आएगा माइनस टेन जे कैप, यहाँ पर आएगा प्लस सिक्स के कैप। यदि आगे इसको सोल्व करें तो ई इक्वल टू जो पूरा निकल का आएगा टू आई कैप प्लस टेन जे कैप माइनस सिक्स के कैप। तो ये मान यहाँ पर निकल के आएगा और इसका हमें निकालना है मैग्नीट्यूड, क्योंकि हमें क्या है यहाँ पर ई का मान रखना है पूरा पूरा, एक्स आई आई जे और के रूप में हमें नहीं रखना है। अब यहाँ पर हमें निकालना है इसका क्या है, रूट कर देते हैं सीधा सा, क्या आएगा टू का स्क्वायर प्लस टेन का स्क्वायर प्लस सिक्स का स्क्वायर। तो इसको सोल्व कीजिए, यहाँ पर आएगा फोर हंड्रेड प्लस थर्टी सिक्स, यानी कि इसको सोल्व करने पर आएगा अपने पास वन फोर्टी। कितना आएगा 140, और इसको यदि हम सोल्व करें तो हमारे पास निकल का आएगा फाइव रूट थर्टी फाइव, टू रूट थर्टी फाइव। कितना निकल का आएगा टू रूट थर्टी फाइव, क्या निकल का आएगा टू रूट थर्टी फाइव हमारे पास निकल का आएगा इस प्रकार से, क्या निकल का आएगा इस प्रकार से। अब देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ई का मान आ गया, ये वाला ई का मान कितना आएगा टू रूट थर्टी फाइव न्यूटन प्रति कूलम, या न्यूटन प्रति मीटर बोले। अब F की वैल्यू यहाँ पर रखिए, F इक्वल टू टू हमारे पास है ही, ये वाला दिया है क्वेश्चन में, और टू रूट थर्टी फाइव यानी कि फोर रूट थर्टी फाइव क्या आएगा न्यूटन, क्या आएगा इसका आंसर निकल के आएगा, क्या आएगा फोर रूट थर्टी फाइव, क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पर फोर रूट थर्टी फाइव। तो डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा, डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दिया हुआ है, ए बी सी आर दी थ्री पॉइंट्स इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। यहाँ पर देखिए एक डायग्राम हमारे पास इस प्रकार से दिया हुआ है, इस प्रकार से यहाँ पर एक डायग्राम है, ये यूनिफॉर्म क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है और यहाँ पर दिया हुआ है ए, इस प्रकार से। अब हमारे पास क्या है ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं इसमें, इस प्रकार से हमारे पास क्या है यहाँ पर बी दिया हुआ है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर ए पॉइंट है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा कौन सा गलत होगा। देखिए ऑप्शन ए देखिए, मैक्सिमम एट ए सी यानी पोटेंशियल जो होगा सी पर मैक्सिमम होगा। हम सभी को पता है जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ओर जाते हैं, जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर जाते हैं तो जो पोटेंशियल है वो क्या डिक्रीज होता जाता है, पोटेंशियल क्या है डिक्रीज होता जाता है। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल क्या है डिक्रीज होता जाता है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम बात करें तो यहाँ पर जो बी भी जो है ज़्यादा मान होगा, फिर बी सी होगा, फिर क्या होगा बी ए होगा, यानी सबसे ज़्यादा जो मान होगा वो बी बी का, यानी बी पॉइंट पर, फिर सी पॉइंट पर, फिर ए पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ से हम इधर की तरफ जाएंगे तो बी पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि इस तरफ जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाने पर जो पोटेंशियल है वो क्या होता है डिक्रीज होता है। तो यहाँ पर बी जो बी पॉइंट इस पर क्या है पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, फिर सी पर, फिर ए पर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए तो क्या हो गया रॉन्ग। सेकंड देखिए, सेम एट ऑल दी थ्री पॉइंट्स ए बी सी यानी तीनों पॉइंट पे सेम है, ये भी बिल्कुल रॉन्ग रॉन्ग क्या है रॉन्ग ऑप्शन है। और सी क्या है मैक्सिमम एट ए, ए पर क्या है मैक्सिमम नहीं होगा। लास्ट एंड डी ऑप्शन बचा है यहाँ पर क्या है मैक्सिमम एट ए बी, मैक्सिमम एट ए बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर जो अपना 15 था इसका राइट आंसर होगा डी, क्या होगा डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ध्यान देना क्वेश्चन नंबर 16 यहां पर हमारे पास फिर से एक इक्वेशन दी है बी इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर, बी इक्वल टू क्या दिया है फोर एक्स स्क्वायर, और यहां पर कोऑर्डिनेट हमारे पास दिए 102। इस प्रकार से एक्स y और z के कोऑर्डिनेट दिए और b इक्वल टू दिया है फोर एक्स स्क्वायर, और हमें बताना है यहाँ पर e का मान, फिर से e का मान पूछा है और इसकी डायरेक्शन भी हमें बतानी है। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार से होगा, फिर से e इक्वल टू माइनस डी बी अपॉन डी एक्स, इस प्रकार से होगा। अब तो यहाँ पर x है तो यही आएगा माइनस डी क्या आएगा फोर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा आई कैप अपॉन क्या आएगा डी एक्स।
जब इसका हम करेंगे तो ई इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ पर आई कैप माइनस फोर, इसको सॉल्व करेंगे तो टू यहाँ पर आ गए, डी एक्स अपॉन डी एक्स इंटू आई कैप, तो यहाँ से कैंसिल, तो ई इक्वल टू जो निकल के आएगा माइनस एट आई कैप, यानी कि माइनस जो है ये आई कैप का मतलब क्या है, एक्स डायरेक्शन में, यानी कि इस प्रकार से ये एक्स होता है या माइनस एक्स होता है, तो इस डायरेक्शन में जो है एट मान आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, क्योंकि कहाँ पर होगा माइनस एक्स डायरेक्शन में, कहाँ पर होगा माइनस एक्स डायरेक्शन में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर ए, एट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, यानी कि जो एक्स एक्सिस की नेगेटिव जो है वहाँ पर क्या होगा, एट इसका क्या होगा मान होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्या होगा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को आप खुद से सोल्व कीजिए, ये सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, हमने तीन क्वेश्चन इस ऐसे क्वेश्चन अभी सोल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 13 सोल्व किया हमने, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 16 भी इसी प्रकार से सोल्व किया, तो क्वेश्चन नंबर 17 को आप खुद से सोल्व करना, हम उस क्वेश्चन नंबर 18 को सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 18 है हम उसको सोल्व करते हैं किस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, चार्ज Q2 इज दी सेंटर ऑफ ए सर्कुलर पाथ विद रेडियस आर, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज क्यू वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी, यानी यहाँ पर क्या पहुँचा है कि जैसे मान लें भाई ये कोई सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर क्या है इसकी रेडियस आर है, और आगे क्या पूछा है, सर्कुलर पाथ विद रेडियस आर, वर्क डन इन कैरिंग चार्ज क्यू वन वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल पाथ वुड बी, मान ले कि हाँ यहाँ पर क्या है क्यू वन है और यहाँ पर क्यू टू है, इस प्रकार से यहाँ पर Q1 और Q2 दिए हुए हैं, और Q2 कहाँ पर है, यहाँ पर सेंटर पे है, और Q1 को हमें कहाँ पर ले जाना है, वंस अराउंड दिस इक्विपोटेंशियल, इस पूरे पाथ पर हमें ले जाना है, सपोज इट हम इसको यहाँ पर ले जाते हैं तो कितना हमें कार्य करना पड़ रहा है, कितना हमें कार्य करना पड़ रहा है, अब इक्विपोटेंशियल उसने बोल दिया यानी कि समविभव वाला पार्ट बोल दिया, तो इक्विपोटेंशियल यानी हम सभी को पता है जब हम इक्विपोटेंशियल पर किसी एक चार्ज को दूसरी जगह ले जाते हैं तो वर्क डन कितना करना पड़ता है हमें, जीरो, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वह अदर जगह जो अन्य जगह पर ले जाएंगे वह हमें पोटेंशियल क्या होगा सेम, और वर्क डन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बी इंटू क्यू, यदि डेल्टा बी ही क्या है जीरो है इंटू क्यू तो वर्क डन तो ऑटोमेटिकली क्या आएगा जीरो आएगा, तो इसको आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 19, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर इस प्रकार से है कि थ्री चार्जेस ईच प्लस क्यू आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसो स्केच ट्राइंगल एबीसी ऑफ स्लाइड्स बीसी एंड एसी टू है, यानी यहाँ पर इस प्रकार से क्या है एक ट्राइंगल है, आइसो स्केच ट्राइंगल है, और इसमें क्या बोला है हमारे पास एबीसी और इसकी स्लाइड है बीसी एंड एसी टू है, इसको मान इसका दिया है ए, ये दिया है यहाँ पर बी, ये दिया है यहाँ पर सी, और यहाँ पर दिया है ई पॉइंट, इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम है और यहाँ पर है डी, आगे क्या बोला है यहाँ पर ए बी सी और ए सी, बी सी ये वाली जो है ये कितनी है टू है दी हुई यहाँ पर, और ये वाली कितनी दी हुई ए सी टू है, आगे क्या बोला है यहाँ पर डी एंड ई आर दी मिड पॉइंट ऑफ ए बी सी एंड सी सी ए दी वर्क डन इन टेकिंग ए चार्ज क्यू फ्रॉम डी टू ई, यानी कि यहाँ पर क्या यहाँ पर तो प्लस क्यू चार्ज है ही, इस प्रकार से अरेंजमेंट है, इस प्रकार से ये अरेंजमेंट है, और आगे क्या बोला है यहाँ से यदि हम प्लस क्यू कोई चार्ज रखें डी से ए तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है, बस ये क्वेश्चन है, बाकी हम इसको कर सकते हैं। अब सबसे पहले वही बात, यदि हमें कार्य इक्वल टू वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन का फॉर्मूला पता है तो हम लिख सकते हैं डेल्टा बी इंटू क्यू, क्या होता है डेल्टा बी इंटू क्यू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बी इंटू क्यू, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। यदि हम क्या है डेल्टा बी निकाल लेते हैं, यदि हम डेल्टा बी का मान निकाल लेते हैं इसके साथ, तो हमारे पास क्या है वर्क डन का, वर्क डन हमारे पास आ जाएगा कितना आने वाला है। अब सबसे पहले हम बात करें इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर हम बात करें इस प्लस क्यू के कारण कितना आने वाला, कितना आएगा पोटेंशियल, क्योंकि क्या ही है एज ए पॉइंट चार्ज काम कर रहा है और यहाँ से डिस्टेंस जो भी है उस पर कितना आएगा, और इसके कारण कितना आएगा, और इसके कारण कितना आएगा, इसके कारण कितना आएगा, तो हमें तीनों के कारण पहले डी पॉइंट पे निकालना है, देन उसके बाद हमें कहाँ निकालना है ई पॉइंट पे, जब दोनों का हमें क्या है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है देन हमारे पास क्या है आंसर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक यदि हम बी डी की बात करें, बी डी पॉइंट पर बात करें,
तो हमारे पास इस प्लस क्यू के कारण यहाँ से क्या इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो यहाँ से पूरी डिस्टेंस कितनी है 2 है, यहाँ से हमने क्या है ये मिड पॉइंट पर आएगा, क्या है ये ए, ये भी ए है, ये भी क्या है यहाँ पर मिड पॉइंट पर है, ये ए है, ये ए है। तो यहाँ पर बी डी की बात करें हम क्या आएगा निकल के, नहीं देखिए के क्यू अपॉन ए, क्योंकि ए से पॉइंट चार्ज काम कर रहा है, यानी किसी पॉइंट चार्ज कारण किसी बिंदु पर के क्यू अपॉन ए आता है, यानी के क्यू अपॉन ए आएगा, यानी प्लस आगे देखिए यहाँ पर इसके कारण का क्या आएगा, यहाँ पर के क्यू अपॉन ए क्या आएगा, के क्यू अपॉन ए। अब यहाँ पर देखिए प्लस क्यू, इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर निकालनी है, ये पहले ये हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए जब जा रही है, मान लिख लेगा पहले हमारे पास ये डिस्टेंस यदि है तो हमारे पास ये वाले इस प्लस क्यू कारण डी पॉइंट पर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है इस वाले पॉइंट पर पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं, ए सी स्क्वायर, इस वाले ट्राइंगल को देखिए ए सी स्क्वायर, यहाँ पर फिर आएगा ए डी स्क्वायर और क्या आएगा डी सी स्क्वायर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर ए डी की वैल्यू, ए सी स्क्वायर कितना है यहाँ पर पूरा ए सी कितना है 2 है, तो यहाँ पर 2 ए का स्क्वायर और ए डी का मान हमें चाहिए और डी सी का मान क्या है यहाँ पर ए, तो यहाँ पर क्या आएगा ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आएगा 4 ए स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए डी जो हमारे पास निकल का आएगा रूट 3 ए, कितना निकल का आएगा ये कितना निकल का आएगा रूट 3 ए, रूट 3 ए इसको यानी ए को यहाँ लगेंगे 4 में से ए जाएगा तो रूट 3 ए स्क्वायर, तो यहाँ पर रूट 3 आएगा, तो इसका जो मान आएगा वो आएगा के क्यू अपॉन रूट 3 ए। तो इस प्रकार से बी डी का मान हमारे पास आ गया। अगर इसका मान यदि आगे और इसको सोल्व करना चाहें तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं के क्यू ए अपॉन ए 1+1 प्लस इसको लिख सकते हैं हम 1/√3, यानी कि बी जो डी का मान आएगा हमारे पास के क्यू अपॉन ए 2+1/√3, इस प्रकार से मान आ गया डी पॉइंट पे इन तीनों चार्ज के कारण, ये प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू के कारण डी पॉइंट पे जो हमारे पास आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो कितना आएगा के क्यू अपॉन ए 2+1/√3, क्या आएगा के क्यू अपॉन ए 2+1/√3, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए हमें निकालना है बी ई पॉइंट पे, बी ई पॉइंट पे निकालना है। अब देखिए इसके कारण इस वाले प्लस क्यू के कारण यहाँ पर क्या आएगा के क्यू अपॉन क्या आएगा ए, इसी प्रकार यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस फिर से ए है तो के क्यू अपॉन क्या आएगा ए। अब यहाँ देखिए ये वाली डिस्टेंस यानी इसके कारण ये वाली हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली डिस्टेंस फिर से चाहिए, तो ये वाली डिस्टेंस जो है हमारे पास रूट 3 ए ही निकल के आएगी, क्योंकि ये वाला देखिए यहाँ पर इसी प्रकार से हमारे पास हो गया ए ट्राइंगल बन रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस हमारे पास कितनी आएगी रूट 3 ए ही निकल के आएगी, तो यहाँ पर आएगा के क्यू अपॉन रूट 3 ए। अब यहाँ पर देखिए ये वाला मान और ये वाला मान सिमिलर है, ये वाला मान यहाँ से और ये वाला मान क्या है सिमिलर दिख रहा है हमारे पास, है ना सिमिलर समान मान है, तो हमारे पास जो दो डेल्टा बी का जो मान आएगा वो क्या आएगा 0 है। तो अब सवाल में बचा ही क्या है, सवाल तो हलवा हो गया बिल्कुल, डेल्टा बी इक्वल टू क्या हो गया 0 है, तो डेल्टा बी यदि 0 है तो वर्क डन कितना होगा 0 है, वर्क डन तो 0 होगा अब क्योंकि डेल्टा बी 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए बी डी पर जो हमें इस पॉइंट पर डी वाले पॉइंट पर हमने जो बी का मान निकाला है वो कितना आया ये वाला, और ई वाले पॉइंट पर कितना है ई वाला ये वाला। अब देखिए ई इस वाले पॉइंट पर और इस वाले पॉइंट पर हमें क्या निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, अब दोनों का मान सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 0, कितना आएगा पोटेंशियल डिफरेंस 0, तो यहाँ पर जब डेल्टा बी ही 0 हो गया तो जो कार्य है वो तो 0 हो ही गया होगा, तो इसका आंसर होगा 0, क्या होगा 0, क्या होगा 0 0। तो देखिए किस ऑप्शन में सी 0 हमारे पास गिवन है, ऑप्शन नंबर डी में, किस में दिया है ऑप्शन नंबर डी में ये हमारे पास दिया हुआ है, किस में दिया है ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि आपने ये क्वेश्चन सोल्व कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस एट ए पॉइंट ए एंड बी। अब देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, यानी दो पॉइंट है ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी, यहाँ पर दो चार्ज हैं, एक ये चार्ज क्यू है और यहाँ पर क्या दिया हुआ है एक माइनस चार्ज क्यू, इस प्रकार से। अब आगे क्या बोला है इसमें एंड बी रेस्पेक्टली बीच आर ए डिस्टेंस 2L, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अपने पास है 2L, 2L डिस्टेंस दी हुई है। आगे क्या बोला है सी इज दी मिड पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, यानी जो यहाँ पर एक सी पॉइंट दिया हुआ है, सी पॉइंट दिया है
जो कि इनके मिड में है, तो ए और सी के बीच की दूरी एल, सी और बी के बीच की दूरी एल, क्योंकि यहाँ पर ये मिड पॉइंट बोला है क्वेश्चन में। आगे बोला दी वर्क डन इन दी मूविंग ए चार्ज प्लस क्यू अलोंग दी सेमी सर्कल सी आर डी इज, यानी कि यहाँ पर कोई डी है इस प्रकार से, और यहाँ से क्या है, यहाँ तक हमें क्या है, एक किसी चार्ज प्लस क्यू को ले गए हैं, ये वाला यहाँ पर आर दिया है सी आर डी, यानी यहाँ तक हमें ये बढ़ा दिया, तो यहाँ तक ले जाने में जो हमें कार्य करना पड़ रहा है किसी आवेश को ले जाने पर, हमें वो कैलकुलेट करना है। फिर से वही क्वेश्चन कि कार्य इक्वल टू डेल्टा बी इंटू क्यू पता होना चाहिए, यानी सी पॉइंट पे हमें डेल्टा बी, सी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल निकालना है, इसी प्रकार से डी पे निकालना है, तब हमारा काम बन जाएगा, तब हमारा काम क्या यहाँ पर बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमें किस प्रकार से इसको सोल्व करना है, यानी इस वाले पॉइंट पर हमें निकालना है बी सी और बी डी हमें इस वाले पॉइंट पर निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अब इसको सोल्व करते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं हम बी सी पॉइंट पर। इस प्लस क्यू के कारण, इस प्लस क्यू के कारण सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल आएगा, इस प्लस क्यू के कारण सी पर कितना पोटेंशियल आएगा, इस ध्यान देना प्लस क्यू के कारण सी पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो हमारे पास के क्यू अपॉन कितना होता है आर, के क्यू अपॉन कितना होता है आर, तो यहाँ पर क्या है आर के स्थान पर क्या है एल, तो कैपिटल एल आएगा, तो बी इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर हो गया के क्यू अपॉन एल। अब इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर कितना आएगा, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर कितना आने वाला है, ध्यान देना माइनस क्यू के कारण यहाँ पर कितना आने वाला है, प्लस के माइनस क्यू अपॉन क्या आएगा एल। तो देखिए ओवरऑल जो हमारे पास बी सी का मान जो निकल का आएगा के क्यू अपॉन एल माइनस के क्यू अपॉन एल, यानी कि पूरा जो मान निकल का आएगा जीरो, पूरा जो मान निकल का आएगा वो क्या आएगा जीरो निकल के आएगा, यानी कि इस प्लस क्यू के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, इस माइनस क्यू के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, और टोटल जो मान हमारे पास निकल का आएगा जीरो, यानी बी सी पे तो हमने निकाल लिया जीरो, अब निकालना है बी डी पॉइंट पर, यानी इस डी पॉइंट पर। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए यहाँ ऐसे लेके डी की डिस्टेंस कितनी है, ऐसे लेके डी की डिस्टेंस कितनी है, ऐसे डी की डिस्टेंस कितनी है, अब यहाँ से तो पता है हमें हमारे पास क्या है एल है, और ये क्या बोला, ये क्या है सेमी सर्कुलर है, यानी सी आर डी क्या है सेमी सर्कुलर, यानी कि इसको इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट को मिलान करें तो ये पूरा क्या निकल का आएगा इसका डायमीटर, क्या निकल का आएगा डायमीटर, यानी कि ये वाला पॉइंट इसके क्या है मिड पॉइंट में, ये एल है तो ये भी एल होगा, क्योंकि ये वाली क्या होगी इसकी रेडियस, ये भी रेडियस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस कितनी है टू एल, यानी सी और डी की डिस्टेंस कितनी है टू एल और यहाँ पर एल, तो टोटल कितनी होगी थ्री एल, ये क्लियर होया नहीं हुआ, यानी थ्री एल आया कैसे यहाँ से, यहाँ पर देखिए इसको बोला है सेमी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर यानी कि या इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम मिलाएं तो इसका क्या बनेगा डायमीटर, क्या बनेगा डायमीटर बनेगा, तो बी जो पॉइंट है इसके क्या है सेंटर में, तो ये वाली क्या होगा यहाँ बी से सी तक क्या है इसकी रेडियस, ऐसे इसी प्रकार इसको मिलाएं तो बी से बी और डी क्या होगा इसका रेडियस, तो यहाँ पर एल एल रेडियस है तो यहाँ पर भी एल, एल और एल कितने होंगे टू एल, तो टू एल प्लस एल कितने होंगे थ्री एल, तो ऐसे डी तक की डिस्टेंस कितनी है थ्री एल, क्लियर यहाँ तक। अब हमें निकालना है, अब आराम से काम हो जाएगा हमारा बी डी, बी डी देखिए यहाँ पर किस प्रकार से निकलेगा, अभी डी पॉइंट पर पोटेंशियल प्लस क्यू के कारण इस पर कितना आएगा के क्यू अपॉन थ्री एल, कितना आएगा के क्यू अपॉन थ्री एल प्लस और के, अब माइनस क्यू के कारण कितना आएगा माइनस क्यू अपॉन एल, इसके लिए तो यही आएगा, तो हमारे पास बी डी जो निकल का आएगा के क्यू अपॉन एल, यहाँ से क्या निकल का आएगा कॉमन, यहाँ पर आएगा वन अपॉन थ्री और यहाँ पर क्या निकल का आएगा अपने पास माइनस वन, इस प्रकार से तो जो बी डी की वैल्यू हमारे पास निकल के आने वाली है आएगी के क्यू अपॉन एल वन अपॉन, यहाँ पर थ्री ले लेते हैं हम एलसीएम, वन माइनस थ्री तो यहाँ पर आएगा माइनस टू अपॉन थ्री, यानी कि जो हमारे पास बी डी की वैल्यू आएगी माइनस दो बटे तीन, के का मान रख देते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर है क्यू अपॉन एल, तो यहाँ से टू यहाँ पर कैंसिल, टू से फोर ये जाएगा तो माइनस क्यू अपॉन सिक्स फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल, इस प्रकार से डी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल मिल गया, तो डेल्टा बी कितना आएगा जल्दी बताओ, डेल्टा बी कितना आएगा, डेल्टा बी कितना आएगा, यानी हमें इसमें से बी डी वाले पॉइंट में से ए बी ए वाला पॉइंट माइनस करना है, इस वाले पॉइंट में से इस वाला ये वाला पॉइंट हमें माइनस करना है, तो कितना आएगा देखिए यहाँ पर डेल्टा बी कितना निकल का आएगा बताना जल्दी से, कितना निकल का आएगा बी डी माइनस बी ए, अब तो सवाल कुछ नहीं बचा इसमें, अब तो सवाल हो गया, तो बी डी माइनस बी ए माइनस क्यू सिक्स
पाई एप्सिलॉन एल और माइनस जीरो, यहाँ तो जीरो ही आया था हमारे पास, तो क्या आएगा माइनस क्यू सिक्स पाई एप्सिलॉन एल। अब हमारे पास क्या है वर्क डन पूछा है, यानी यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश था उसको हम यहाँ ले गए, तो डब्ल्यू इक्वल टू डेल्टा बी इंटू कैपिटल क्यू, शायद कैपिटल क्यू दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू का मान, यहाँ पर डेल्टा बी का मान रखिए जल्दी से, डेल्टा बी का मान रखिए, यहाँ पर क्या है माइनस क्यू सिक्स फोर पाई एप्सिलॉन एल इंटू क्यू। अब यहाँ देखिए तो डब्ल्यू इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस क्यू कैपिटल क्यू सिक्स पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एल। तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा यदि हम प्लस क्यू आवेश को सी वाले पॉइंट से डी पॉइंट पे ले जाना पड़े, सी वाले पॉइंट से इस वाले सी वाले पॉइंट से यदि हमें डी पॉइंट पे हमें माइनस क्यू सॉरी प्लस क्यू आवेश को यहाँ पर ले जाना पड़ेगा, तो कितना कार्य करना पड़ेगा माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन सिक्स पाई एप्सिलॉन एल, कितना कार्य करना पड़ेगा ये वाला माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू सिक्स पाई एप्सिलॉन एल। देखिए कौन से ऑप्शन में इस प्रकार से ऑप्शन हमारे पास हैं, ऑप्शन नंबर सी में देखिए माइनस क्यू कैपिटल क्यू अपॉन सिक्स पाई एप्सिलॉन एल, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, क्या होगा ऑप्शन नंबर थ्री इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 21, इसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर दिया है आपके पास एक डायग्राम दिया है इस प्रकार से, यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है, ये पूरी यहाँ पर लेंथ इस प्रकार डॉट डॉट डॉट, और इस प्रकार से हमारे पास ये दिया हुआ है इस प्रकार से किवेन है, ये वाला डिस्टेंस हमारे पास है क्या 40 सेंटीमीटर, यदि हम इसको मीटर में चेंज करें तो 0.4 मीटर, ये कितनी यहाँ पर 30 सेंटीमीटर यानी कि 0.3 मीटर। ये पॉइंट ओ है, ये पॉइंट सी बोला है यहाँ पर, ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट ए बोला है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पर ये डी पॉइंट है ना। आगे सवाल में क्या बोला है कि टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट सोन इन दी फिगर, ए थर्ड चार्ज Q3 इज मूव्ड अलोंग द आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस क्या दिया है 40 सेंटीमीटर, यानी कि यदि हम इसकी रेडियस की बात करें, ये वाली जो 40 सेंटीमीटर है ये किसके बराबर है AD के बराबर, इसको ध्यान रखना 40 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस बोला है, यानी ये क्या है ये पूरा आर्क बन रहा है, इस आर्क की रेडियस कितनी है AC इसकी ये वाली रेडियस है, तो ये भी क्या होगी AD क्या होगी, तो यहाँ पर क्या है 0.4 मीटर, तो ए ओ डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 0.4 मीटर। यदि हम बी ओ डी की बात करें, तो बी ओ डी का मान कितना आएगा हमारे पास, ये पॉइंट चार है तो ये कितनी है 0.03, तो कितनी आएगी 0.01 मीटर। क्लियर यहाँ तक, बी डी का मान हमारे पास 0.01 मीटर आ गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या दिया है, जो Q1 जो चार्ज है वो यहाँ पर है इस प्रकार से। हाँ एक बार इसको डायग्राम को मैं देख लेता हूँ, Q2 और यहाँ पर दिया हुआ है, हाँ ये यहाँ पर, तो यहाँ पर Q2 है, सॉरी यहाँ पर क्या है Q1 चार्ज है और यहाँ पर है Q3 इस प्रकार से। हाँ अब देखिए बस ये इस प्रकार से डायग्राम है और हमारे पास ऑप्शन जो भी हैं वो दिए हुए हैं, यानी कि बोला क्या है कि ए पॉइंट पर Q1 चार्ज, बी पॉइंट पर Q2 चार्ज और सी पॉइंट पर Q3 चार्ज है यहाँ पर, ठीक है। आगे क्या बोला है, यानी कि सी से हम क्या है किसी इस Q3 आवेश को डी पर लाते हैं, सी से हम Q3 आवेश को डी पर लाते हैं और हमारे पास इसके लिए क्या दिया है, जो यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी जो हम निकालेंगे, यानी इस वाले पॉइंट पर एक बार पोटेंशियल एनर्जी निकलेगी, इस वाले पॉइंट पर निकलेगी जब डी पे Q3 आ जाएगा, तो इनका तो हमारे पास डिफरेंस दिया है, अंतर कितना दिया है यहाँ पर, अंतर भी देख लेते हैं एक मिनट। यहाँ पर जो डिफरेंस दिया है हमारे पास वो कहता है यानी कि डेल्टा यू इक्वल टू Q3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन इनटू K, इस प्रकार से डिफरेंस यहाँ पर दिया हुआ है, डेल्टा यू का मान यहाँ पर दिया हुआ है और मान जो पूछा है हमारे पास K का मान कितना आएगा, तो सबसे पहले बात करते हैं हम यू इनिशियल, यानी कि इस वाले पॉइंट पर हमें क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यू इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है हमारे पास
आर स्क्वायर, सॉरी क्या होता है स्मॉल आर, खाली आर ही होता है, आर स्क्वायर नहीं होता है, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, इस प्रकार से हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ इस वाले पॉइंट के बीच में हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, फिर हम इस वाले पॉइंट के बीच में निकालेंगे, इस वाले पॉइंट के बीच में निकालेंगे, यानी ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास, हमारा ये वाला पॉइंट है, यानी क्यू क्यू टू और क्यू थ्री के बीच में निकालेंगे, क्यू वन और क्यू थ्री के बीच में, और क्यू वन और क्यू टू के बीच में, सबों के बीच में निकलेगी। तो यहाँ पर देखिए यू वन यानी कि यू इनिशियल हम मानते हैं, क्यू वन और क्यू टू के बीच में देखिए क्या आएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर, आर कितनी यहाँ पर 0.03 मीटर, 0.03 मीटर प्लस। अब देखिए क्यू वन और क्यू थ्री के मध्य देखिए ये क्या निकल के आएगा, के क्यू वन क्यू थ्री बटे डिस्टेंस देखिए यहाँ पर 0.4 मीटर, तो यहाँ पर 0.4 प्लस। अब देखिए Q2 और Q3 के मध्य, तो Q2 और Q3 के मध्य यदि हमें निकालना है तो ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इस वाले हमारे पास एंगल को देखिए, वो देखिए ट्राइंगल को, ये क्या है 0.4 0.3, यदि हम इसमें लगाएं तो बी सी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, बी ए स्क्वायर क्या आएगा बी ए स्क्वायर, तो ए सी का मान देखिए यहाँ पर क्या है इस प्रकार से 0.4, तो इसका करेंगे तो स्क्वायर तो 0.16 प्लस ये क्या है 0.09 आएगा, 0.3 का करेंगे तो 0.25, तो इस पर रूट लगाएंगे यहाँ पर बी सी का मान निकल के आएगा अपने पास 0.5, तो ये वाली वैल्यू निकल के आएगी 0.5 मीटर। यहाँ तक बात क्लियर है नहीं है, यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आया या नहीं आया, तो यहाँ पर देखिए 0.5 मीटर यहाँ पर ये क्लियर। अब देखिए इसको निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 0.5, अब तो पूरी बात क्लियर हो गई, इनिशियल निकल गई, इनिशियल हमारे पास क्या आ गई एनर्जी आ गई, तो हमारे पास फाइनल एनर्जी तो हम निकाल सकते हैं। जब क्या है अब क्या होया ये क्यू थ्री आवेश को कहाँ पहुँच गया, क्यू थ्री आवेश यहाँ पहुँच गया, समझ रहा बात को, क्यू थ्री आवेश पहले यहाँ पर रखा था, अब क्या है ये इसके थ्रू ये जो आर्क बना है सीढ़ी इसके थ्रू कहाँ पर पहुँच गया, क्यू थ्री यहाँ पर पहुँच गया, अब हमें कहाँ पर निकालना है यू फाइनल निकालना है। अब वही बात क्यू वन और क्यू टू के मध्य निकालिए, के क्यू वन क्यू टू अपॉन 0.03 आएगा इसका, तो क्यू वन और क्यू टू के मध्य क्या आएगा 0.03, ठीक है यहाँ तक। अब क्यू वन और क्यू थ्री के मध्य निकालिए प्लस के क्यू वन और क्यू थ्री, अब देखिए क्यू वन और क्यू थ्री के मध्य डिस्टेंस देखिए यहाँ पर ये क्या है 0.3, ये कितनी है 0.1, पूरी कितनी है यहाँ पर 0.4, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.4, यानी के क्यू वन क्यू थ्री अपॉन 0.4 प्लस। अब यहाँ पर देखिए क्यू टू और क्यू थ्री के मध्य देखिए के क्यू टू और क्यू थ्री अपॉन में क्या आएगा, यहाँ से लेके डिस्टेंस देखिए इसकी कितनी है 0.1, कितनी है 0.1। अरे अब तो सवाल में कुछ बचा ही नहीं है, अब तो इसको क्या करना है हमें डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू निकालना है, और डेल्टा यू कमान गिवन है तो के कमान आसानी से निकलेगा, नहीं निकलेगा के कमान निकल जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा यू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो डेल्टा यू कमान देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसको मैं यहाँ करता हूँ क्यू थ्री अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के, इस प्रकार से लिखा है क्यू थ्री अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट इंटू के, आगे क्या दे यू फाइनल देखिए यहाँ पर क्या है के क्यू वन क्यू टू अपॉन, अब यहाँ पर देखिए इस वाली वैल्यू को हम लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट बोलता हूँ इस वाली वैल्यू को लिखेंगे यहाँ पर के क्यू वन बटे 0.3, के क्यू वन क्यू थ्री बटे 0.4, और इसको यहाँ पर लिखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे माइनस, तो माइनस इसकी जैसे ही आप इसका माइनस लगेगा पूरी वैल्यू क्या होगी माइनस, तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कट जाएगी, क्योंकि के क्यू वन क्यू टू अपॉन 0.3 के क्यू वन क्यू टू अपॉन 0.4 ये वाली वैल्यू और ये सेम है, तो बचेगा हमारे पास क्या ओनली के यहाँ पर क्या है क्यू टू के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 0.1 माइनस ये बचेगा के क्यू टू क्यू थ्री अपॉन 0.5। यहाँ तक बात अब क्लियर है, अब हमें के का मान निकालना है, यहाँ पर देखिए क्यू थ्री से क्यू थ्री यहाँ पर क्यू थ्री ख़त्म, यहाँ तक ये ख़त्म कहानी। अब यहाँ पर देखिए इस के स्थान पर हम लिख सकते हैं, अब देखिए इस के को हम कॉमन निकाल देते हैं, यहाँ पर है के अपॉन 4π एप्सिलॉन नॉट, के यहाँ पर कॉमन, अंदर क्या बचेगा हमारे पास क्यू टू अपॉन 0.1 माइनस, और बचेगा क्यू टू अपॉन 0.5, ये वैल्यू यहाँ पर बचेगी अंदर, क्योंकि क्यू थ्री खत्म, के यहाँ से कॉमन निकाला, अब यहाँ से क्या है इसको हटाएंगे तो ऊपर 10, इसको हटाएंगे तो ऊपर 10, इस प्रकार से आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर इसको काटेंगे 2 टाइम जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए के अपॉन के का मान हमें चाहिए 4πε0। के के स्थान पर लिख सकते हैं 1/4πε0। यहाँ पर होगा टेन क्यू टू, यहाँ पर 2q2। यहाँ देखिए ये वाली वैल्यू ये कैंसिल। अब देखिए के का मान कितना निकल गया, 10 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 8। आया सवाल समझ में? नहीं आया सवाल समझ में आया या नहीं आया? देखिए के की वैल्यू जो निकल कर आएगी 8q2, कितनी निकल कर आएगी 8q2। अब ये देखिए कौन से ऑप्शन में हमारे पास की भी नहीं, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में कुछ नहीं किया सवाल में, दिया क्या है उसके अकॉर्डिंग हमने बात की है। सबसे पहले इस वाले पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर हमने यू इनिशियल यानी यू सी बोले या हम इस पे यू डी बोले, और हमने डेल्टा यू निकाल लिया क्योंकि उसके लिए हमारे पास मान की भी नहीं। सवाल में मान क्या दिया इस प्रकार से, तो हमारे पास पूरा मान रखा और हमारे पास के का मान कितना है 8q2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल बायमेंट बाइट को जरूर सब्सक्राइब कर लें।